अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मुमताज़ अहमद है, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यू फॉर यू जी एस एम इन्फो एंड टीच। तो हम यहाँ पे लाहौर आ गए हैं हाल रोड में, तो हम यहाँ पे मशीनें लेने आए हैं। तो हमारी वहीद भाई से मुलाकात हो गई है, तो हमने मशीनें भी इनसे ख़रीद ली हैं। तो माशाल्लाह मशीनें इनकी बहुत अलग क्वालिटी की हैं। तो इनका मोहतरम भाई, इनका जो YouTube चैनल है मुझे इन्होंने बताया, तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे हैं और काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं और वीडियो भी लोग पसंद करते हैं कि जिस लिहाज से ये वीडियो बनाते हैं। तो भाई जो है ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो अभी लेवल 4 लेवल 5 की रिपेयरिंग में आना चाह रहे थे, तो उसके लिए इन्होंने रिसर्च वगैरह की है कि वो OCA के हवाले से जो काम है ना वो ये नहीं कर पा रहे थे, ऑलरेडी कस्टमर था इनके पास, तो अपने काम को जो है ये मैनेज करना चाह रहे थे, बूस्ट करना चाह रहे थे कि जो क्लाइंट इनके पास आता है उनका काम नहीं कर पाते। तो इन्होंने सर्च वगैरह की है कि कहाँ से हम वो प्रोडक्ट लें। तो इनकी माशाल्लाह इन्होंने यूट्यूब पर और चीज़ें वगैरह देखी हैं, सारा नॉलेज है इनको। तो फिर इनको जो है पता लगा कि जी OCA मशीन होती है जिसके लिए जो है ना ये ज़रूरत होती है OCA के वाले से। उनके दो चीज़ें होती हैं, एक सेपरेटर होता है, इसकी मदद से हम ग्लास और LCD को उतारते हैं। जो LCD जो ठीक होती है उसके ऊपर जो ग्लास या टच वगैरह होता है वो डैमेज हो जाता है, इसकी मदद से हम उतारते हैं, फिर इन मशीनों की मदद से हम वो जोड़ देते हैं। और ये मलक अज़हर साहब हैं जी, मेरे भाई हैं ये, 12-14 साल से मैं इन्हें जानता हूँ। तो ये भाई हैं आपस में और इनका दोस्ती है, तो इन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया है किसी रेफरेंस से, तो मुझसे बात किया इन्होंने जी कि अभी मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, जब मैं आपके सामने आऊँगा फिर पहचानेंगे मुझे। तो वाकई बड़ा अरसा गुजर गया था, तो ये अभी आए हैं तो मैंने बिल्कुल पहचाना इन्होंने कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था शुरू में जो ये मेरे क्लाइंट होते थे, और इनकी मोहब्बत इन्होंने अभी तक याद रखा है मुझे। तो मैं फिर दिल से मशकूर हूँ कि इतना सफ़र करके 7-8 घंटे का मेरे पास यहाँ पे लाहौर हार रोड पर मैंने डिस्प्ले विजिट किया है। तो ये मलक अज़हर साहब हैं, ये मुमताज़ साहब हैं, और फाइनली जो है इन्होंने ये मॉडल है जी हमारा ये सेलेक्ट कर लिया है। 13 इंच का लेमिनेशन साइज है इसका, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके इलाके में जो है वो अच्छी रिपेयरिंग मिलेगी। जो दोस्त भी ये भाई का जो इलाका है, मुमताज़ साहब का जो इलाका है, और जो इस वीडियो देख रहा है, वो लाजमी इनसे राबता करें। अच्छे बंदे हैं, ईमानदार बंदे हैं, सही काम करते हैं, गलत बयानी नहीं करते ये। और अभी जिन दोस्तों की LCD वगैरह मोबाइल है उसका ग्लास या टच टूट जाए, वो अगर इनके इलाके से इनके पास लाजमी जाएँ और इनकी जो है खिदमात हासिल करें। और अभी इनके पास सारी मशीनरी पूरी हो गई है, तो नेक्स्ट भी जो है ये जो है इनको एक शौक भी है अपनी लैब को अपग्रेड करने का। नेक्स्ट जो न्यू टूल है उनके बारे में ये काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे वक्त की ज़रूरत के साथ साथ ये अपनी लैब को अपग्रेड करते जाएंगे। अभी जो है इन्होंने लेवल 4 लेवल 5 का कंप्लीट कर लिया है सिस्टम। तो हमारे पास जो है ये मशीन्स हैं, इसमें दो साइज़ आते हैं, ये 13 इंच का लेमिनेशन साइज़ है, ये 16 इंच का लेमिनेशन साइज़ है, और वारंटी भी है इनकी। और इसके अलावा जो है ये हमारा मॉडल है, ये RMB 1 मॉडल है, ये एज भी सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड, ये पहली मशीन थी जो एज सपोर्ट किया, बाकी सब मशीनें इसके बाद आई हैं। ये इसका लेमिनेशन का सिस्टम है, ये बबर रिमूवर का सिस्टम है। हमारी ये वीडियो जो है ना ये खसूसन वो लोग समझ पाएंगे जो मोबाइल की रिपेयरिंग की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आम बंदा शायद उन्हें जो पता नहीं लगता ये क्या, इससे क्या काम होता है। तो बेसिकली जो है ना ये मोबाइल की रिपेयरिंग की फील्ड के हवाले से है, तो इसमें हमारी काफ़ी प्रोडक्ट आती है फॉरवर्ड की। इधर आए जरा। इसके अलावा हमारे पास ये मॉडल है जी, ये RMB 1 मॉडल है, ये उसका एडवांस जो है वर्जन है वो है। ये RMB 2+ मॉडल है, इसका ये लेमिनेटर है, इसका बबर मूवर पीछे है, और एयर कंप्रेसर वैक्यूम पंप इसका इन बिल्ड है, इसका आउटसाइड है। ये स्प्लिट टेक्नोलॉजी में 2-in-1 मोटर आई है, एक पुराने शक्ल का होता था एयर कंप्रेसर वैक्यूम पंप, वो लहदा लहदा होते थे, तो अभी जो है ना ये बड़ी स्मार्ट सी मशीन आ गई है। ये भी फॉरवर्ड कंपनी की वर्ल्ड वाइड पहली कंपनी है जिसने ये न्यू टेक्नोलॉजी जो है ना वो शो कराई है। तो इसके अलावा ये मॉडल है, फिर हमारा ये वाला लेज़र वाली मशीन है, iPhone 6 से लेके 13 Pro Max तक जो LCD है iPhone की उसको रिंग से निकालती है, iPhone 8 से लेके 13 Pro Max तक बैक मूव करती है, इसके अलावा वीवो ओप्पो हुआवे वगैरह उनकी जो LCD उसे भी रिंग से निकालती है। तो ये कुछ प्रोडक्ट थी जो मैंने कहा कि मैं भाई से जो है वो जो है तारुफ करवा दूँ। ये हमारा हॉट एयर का मॉडल है जी, 852+ मॉडल है, ये प्लास्टिक मेल नहीं करता, काविये के साथ है। इसके अलावा हमारे पास जो है ये मशीन है, ये अभी तक हमने इसकी वीडियो भी नहीं बनाई हुई, और ये जो है ये किलर लेमिनेटर है। जो दोस्त बड़े पैमाने पे काम करना चाहें
तो ये गालबन एक मिनट में, ये 7 सेकंड में जो है ना लेमिनेशन मुकम्मल कर देती है, कि आप एक मिनट में जो है ना कम से कम भी 17 से 20 पीस बना सकते हैं। 10 मिनट में 170 से 200 पीस बना देती है। ये लेमिनेटर है, ये इसका वैक्यूम पंप है, ये इसका एयर कंप्रेसर है, और ये इसका बबल रिमूवर है। जो दोस्त भी बड़े पैमाने पे काम करना चाहे उनके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है। उसके अलावा हमारे पास ये IRT मशीन है, ये भी हीट गन होती है, ये लेज़र के साथ जो है ना IC वगैरह रिमूव करती है। तो इसके अलावा हमारे पास OCA वगैरह होते हैं। ये जो दोस्त रिपेयरिंग का काम करते हैं उनको पता होता है कि जैसे ग्लास जब टूट जाता है LCD का, तो वो ग्लास उतारते हैं, उसके बाद इसकी मदद से जो है ना वो पेस्ट करते हैं। तो इसका काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये बबर रिमूवर, ये ग्लू रिमूवर होते हैं OCA वगैरह, जो RD पहला लगा होता है LCD के ऊपर, ग्लास या टच टूट जाता है, जब हम सेपरेटर की मदद से उसको उतार लेते हैं, फिर एक यही मटेरियल जो है लगा होता है, तो इसकी मदद से हम उसे रिमूव करते हैं। उसमें कुछ क्लीनर का भी इस्तेमाल होता है। तो एक हमारे पास ये है, ये प्रोफेशनल टूल है जी, सुगोन का 8610DX। जो दोस्त भी IC का काम करते हैं, iPhone का काम करते हैं, ये प्रोफेशनल टूल उनके लिए मस्त है। और जो OCA का काम करते हैं, तो ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसे UV लैंप कहते हैं। जो दोस्त एज का खास तौर पर काम करते हैं, और जब वो एक प्रोसीजर को मुकम्मल कर लेते हैं, एज का ग्लास चेंज करके LCD के ऊपर ग्लास लगा के बबर रिमूव करके, फिर 2 मिनट इसके अंदर रखें, कभी भी बबर रिटर्न नहीं आएंगे। अमूमन ये होता है कि एज में कस्टमर को जब आप बना के दे देते हैं, तो उसमें जो है बबल वापस आ जाता है, तो ये स्पेशल होता है उसके लिए। तो ये हमारा चंद चीज़ें थी जो मशीन्स वगैरह, हम जहाँ पर हमारा डिस्प्ले है। तो इसके अलावा हमारा मोबाइल LCD का भी काम है, और ये भाई जो है अपने इलाके में अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमसे होलसेल पे सामान उठाते हैं और अपना इलाका जो है वो कवर करते हैं। तो जी इंशाल्लाह जी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी अपने भाई का, इधर आए जी, तो इनकी बड़ी बड़ी मोहब्बत है जी। मैं बड़ा खुशी हुई मुझे कि इतना पुराना तल्लुक है, मेरे पास आए हैं इतने अरसे बाद। तो इंशाल्लाह जो अब इनसे जो है एक रबता पहले भी था, भी रहेगा, और जो दोस्त भी इन इलाकों से हैं वो लाजमी इनसे रबता करें, बड़े अच्छे काम करने वाले हैं। आपको लाहौर या बड़े शहर मुल्तान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुमताज़ साहब हैं, ये मेरे दोस्त अजहर साहब हैं, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो को भी शेयर करें जी। तो जी मुझे इजाज़त दें जी, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है।